बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, बीबी आसिफा भुट्टो सरदारी साहिबा, फेडरल मिनिस्टर पावर्टी एलिविएशन मैडम शाजिया मरी साहिबा, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर निसार खोड़ो साहब, फैसल कुंडी साहब SAPM, हिज एक्सलेंसी अल्फ्रेड ग्रेनेस एम्बेसडर ऑफ जर्मनी, तारिक मलिक साहब, यहाँ बैठे हुए असेंबली के मेंबरान वज़रा और ख़ास तौर पे जो BISP के बेनिफिशरीज ख़वातीन हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं शुक्रगुजार हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कि आज ये प्रोग्राम इन्होंने जो स्टैटिक से डायनामिक रजिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं, यानी हर वक्त ये रजिस्ट्री खुली होगी और लोग नई ख़वातीन जो मुस्तहकीन हैं इसमें शामिल होंगे, उसका इफ्तिताह रखा है। चेयरमैन साहब उसका इफ्तिताह कर रहे हैं और यहाँ सिंध असम्बली की तारीखी बिल्डिंग में सूबा सिंध के दारुल खिलाफा कराची में ये इवेंट रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारी शहीद लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में 2008 में सदर आसिफ अली जरदारी ने इसका क़याम डाला था और कुछ ही महीनों में ये दुनिया का सबसे बेहतर सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम कहलाने लगा। और 2013 तक इसके अंदर, और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त सदर जरदारी साहब कई इवेंट्स उन्होंने किए, जो उनकी सोच थी इसके बारे में कि इसको कितना आगे ले जाएंगे, किस तरीके से जो मार्जिनल जो हमारे मुस्तहकीन हैं उनको इसमें शामिल करेंगे, प्लान था। लेकिन फिर 2013 के बाद तकरीबन 9 से 10 साल फेडरल गवर्नमेंट की पेट्रनेज इससे ख़त्म हो गई। मैं शुक्रगुजार हूँ BISP का कि उन्होंने, जैसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट में आए और चेयरमैन साहब सदर सरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक मिनिस्टर साहिबा ने जो मिसिंग विमेन थी उनको वापस इंक्लूड किया। इस वक्त तकरीबन 23 लाख बेनिफिशरीज मुस्तहकीन हैं, मुस्तहक ख़वातीन हैं जो कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में सिंध के अंदर उनको फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा तालीमी वज़ाइफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू दिए जा रहे हैं। 107 नशोनुमा फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जिसमें तकरीबन 1,36,000 मुस्तहक ख़वातीन हैं जिनको ये सहूलत मिल रही है। और हम सूबा सिंध की गवर्नमेंट BISP के शुक्रगुजार हैं कि वो सारी इंटरवेंशन यहाँ कर रही है। चेयरमैन साहब की हिदायत पे हुकूमत सिंध ने भी, जब ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी उन्होंने ये मार्जिनलाइज सोसाइटी जो ख़ासतौर पर सोशल प्रोटेक्शन के काम ख़त्म कर दिए थे और वो अपने अजीब व गरीब नए प्रोग्राम्स की तरफ जा रहे थे, तो चेयरमैन साहब ने हुकूमत सिंध को हिदायत की और हमने पहले एक सोशल प्रोटेक्शन यूनिट सिंध में खोला और अब हमारे पास एक सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है जिसके लिए हम कानून भी बना चुके हैं। हमारा सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो उस कानून के तहत बनी है, उसने काम शुरू किया है और वो BISP से ख़ासतौर पर अभी और ख़ासतौर पर NSCR से गाइडेंस लेती है, उनके साथ मिलकर काम कर रही है। हमारी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने डेटाबेस को इतना मजबूत किया जाए और उन मुस्तहकीन तक, उनके घर तक हम पहुंच सकें। इस सिलसिले में हम जो हामला ख़वातीन और बच्चे, जो अभी मिनिस्टर साहिबा ने भी बताया, जो पहले 2 साल होते हैं, उस सिलसिले में हम उन ख़वातीन को 20,000 रुपये, और हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये शुरू किया है, थरपारकर और उमरकोट, और तकरीबन 40,000 बेनिफिशरीज, 40,000 मुस्तहक ख़वातीन इसमें इंक्लूड हैं। अब हम इसको पूरे सिंध में
जो है फैला रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक के साथ हमने एक प्रोग्राम भी इस में लोन प्रोग्राम भी मंजूर कराया है, और ये तकरीबन 48 अरब रुपए का एक प्रोग्राम है जिसमें 17 लाख खवातीन हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस पर काम हमारा सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट तेज़ी से कर रहा है, और जैसे मैंने कहा हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद ले रहे हैं, और मैं उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ अभी लेकिन आगे जाके भी फेडरल गवर्नमेंट और BISP सूबों को मदद करेगी। ये प्लान शुरू में सदर जरदारी ने भी किया था, मुझे उस वक्त भी याद है कि जब सदर जरदारी हुकूमत में थे, सदर थे पाकिस्तान के 2008 से 2013 तक, तो उन्होंने सूबों को भी कहा था कि BISP के पैटर्न पे आप अपने प्रोग्राम शुरू करें, और हमने शुरू किया था सिंध के अंदर, लेकिन फिर गवर्नमेंट जाने की वजह से हमारे जो इश्यूज आए हम उसको कंटिन्यू कर सके, और फिर हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकाम पे, उनकी हिदायत पे ये प्रोग्राम दोबारा शुरू किया है। मैं जैसे कहा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हम सब चाहते हैं कि चेयरमैन साहब को सुने, और मैं चेयरमैन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कराची को चूज़ किया इस इवेंट के लिए। इसके साथ ही मैं जो सारी बेनिफिशरी खवातीन हैं जो इधर जो मुस्तहकीन आए हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ से असेंबली आई और इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।